मैं गुप्ता साहब आंदे करें स्क्रीनिंग करें और उनको बिहार और बंगाल और आसाम की बाहरियों पर भेजें। अगर ये यूपी उनको आसाम में भेजे, बिहार में भेजे, बंगाल में भेजे और गंदे राशन की यहां कोई जरूरत नहीं है, गतिविधियों पर नहीं जाते, ये क्या स्कीम चल रही है, इस पर नजर रखने की जरूरत है। दूसरी बात ये, मेरा इस्लाम जिस मजहब को मैं मानता हूं मुझे मजबूर करता है इस बात के लिए, मोदी सरकार ने वो फैसिलिटी दी जो कभी किसी दुनिया की मसाल ही नहीं हो सकती कि हर आदमी का, सब लोगों का जो हिसाब नहीं हुआ, जो तक नहीं पहुंच सका था वो पहुंचेगा। उसके लिए हमें जो पार्टी काम दिखाती है वो काम हमें सच्चे दिल से करने चाहिए। हमें किसी के प्रोपगंडे में आके के अवध भी दूसरे, अब वो बात छुपी हुई नहीं है, किताबों में लिखी है, मोदियों के साथ डिस्कशन करके कि हमें अपने असला में बात पहुंचा दो। इलेक्शन की जब मोहिम आती है कहीं मजहब का इलेक्शन लगाया जाए, बिल्कुल उछाड़ और चौकन्ना लेना है। ये इलेक्शन के दिनों में आकर के कहीं मजहब का, कहीं जात पात का, कहीं बिरादरी का इलेक्शन लगाते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि आपकी भला और महबूद के लिए भारतीय जनता 70 सालों में हिंदुस्तान की तारीख में उसके विधान नहीं देती है। आपका साथ चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपकी फला बहबूद के लिए नहीं है तो आपका फर्ज है जब वोट आए तो बीजेपी के निशान पर वोट लगाए, और अगर आप ऐसा नहीं करते, वो हिंदू है, मुस्लिम, ईसाई है, कोई भी है, वो गद्दारी करता है, ना शुक्री करता है, और उसके साथ हुकूमत नरेंद्र सिंह मोदी की सरकार ने बनाए है, बातों पर स्पष्ट कार्य दिए, जलाउद्दीन क्या बोलेगा, आपने आपके पत्नियों ने सरकारी फ्री राशन कहा, जलाउद्दीन क्या बोलेगा, माधुरी की पेंशन लगी, जलाउद्दीन क्या बोलेगा, अरे सब कुछ आपको दिया है। जरूरत है कि आप दूर दराज जहां तो मैंने जाए सब लोग यहां नहीं आ सकते, और अपने सर की आंखों से देख हम नमाजें नहीं करते हैं, छोड़ना करते हैं, गलत काम करते हैं तो सजा मिलती है, और वो सजा बीजेपी के मते नहीं लगती, वो हमारे अपने अमान की वजह से लगती है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के लिए जितने काम पूछ में किए हैं उसकी उसको लिए क्या करना, श्री राहुल गांधी जी को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने समन किया है और ये कानूनी प्रक्रिया है। बहुत पुराना एक मामला नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर्स के जो ट्रस्ट में हुई गड़बड़ियों को लेकर ईडी ने श्री राहुल गांधी जी को समन किया, उनको पहले भी समन किया गया था और वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आज एक और नोटिस के संदर्भ में वो ईडी के सामने पेश हुए हैं, तो कांग्रेसियों को बड़ी तकलीफ हो रही है। अगर तो राहुल गांधी जी किसी घोटाले में शामिल नहीं हैं तो वो क्यों परेशान हो रहे हैं, और अगर वो किसी घोटाले में हैं तो फिर तो परेशानी बनेगी, क्योंकि अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि जब चोर बाजारियां ये नेहरू गांधी खानदान के लोग सत्ता में बैठकर ये गांधी खानदान देश को लूटता था और हमारी एजेंसियां बेबस होती थी, इनको कोई पूछने वाला नहीं था, वो दौर ख़त्म हो गया है। अगर कोई घोटाला, कोई भ्रष्टाचार किया है तो कानून अपना काम करेगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, वो कोई आम आदमी है या नेहरू गांधी खानदान है। अगर चोरी करोगे
तो जेल जाओगे और कानून की सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। बिला वजह कांग्रेस के लोग इस प्रकार के धरने प्रदर्शन कर रहे। कांग्रेस ने हमेशा कानून की धज्जियां उड़ाई। ये ईडी का नोटिस श्री राहुल गांधी जी को कोई सरकार ने नहीं भेजा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक एजेंसी है, एक इंस्टीट्यूशन है जो इंडिपेंडेंटली ऑटोनॉमस तरीके से अपना काम करता है। इसलिए राहुल गांधी जी अगर उन्होंने अगर गलत किया है तो सजा मिलेगी, अगर नहीं गलत किया है तो फिर कांग्रेसियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। महबूब बार बार कह दिया कि जो सेंटर सरकार है वो लोगों को ईडी के जरिए डरा रही है। देखिए ईडी से डर किसको लगता है जिसने चोर बाजारी की होगी। कोई ईमानदार है उसको ईडी का डर नहीं। अब हमारे मौलवी जलालुद्दीन साहब हैं, इनको सीबीआई का ईडी का क्या डर है? कोई डर नहीं। लेकिन जिसने घोटाला किया होगा उसको तो डरना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर एक जन जागरण अभियान पूरे देश में कर रही है। जम्मू कश्मीर के इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जबरदस्त जोश और जश्न के साथ यहां कार्यक्रम किया। मोदी सरकार ने सबका भला किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गांव के शहर के गुज्जर बकरवाल पहाड़ी कबीला हर शख्स का भला मोदी सरकार ने किया है। इसलिए आज पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में मोदी सरकार का डंका बज रहा है और जम्मू कश्मीर के हर घर में और हर दिल में आज मोदी साहब है और मोदी साहब की जय जयकार हो रही है। सर, पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन चैन की सांस लें। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के लोग सुख चैन की जिंदगी गुजर बसर करें। इसलिए वो हमेशा अपनी नापाक हरकतें करता है। लेकिन हमारी पुलिस, हमारी फौज और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के मुस्तैद जवानों ने हमेशा पाकिस्तान की हर साजिश को फेल किया है और आगे भी फेल करेंगे। सर, पहाड़ियों के लिए क्या मैसेज रहेगा क्योंकि बहुत देरीना मांग है? सरकार का मिशन है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मोदी साहब ने यहाँ गुजर बकरवाल हमारे जो भाई बहनों को इंसाफ दिया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत उनको ज़मीनें उनके ज़मीनों के मालकाना हक दिए और जो काला कानून एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने गुजर बकरवालों के खिलाफ लाया था इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन, वो मोदी साहब ने ख़त्म करके गुजर बकरवालों को उनके हक दिए। अब बारी है पहाड़ी कबीले की, तो यकीनन पहाड़ी कबीले को भी उसका हक मोदी साहब देंगे क्योंकि मोदी साहब का मिशन है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास।